घर वाला चेहरा, बाहर वाला चेहरा। काम को घर से बाहर निकलने से पहले आईने में देखती हूँ, बाहर वाला चेहरा अपनी जगह पर है ना। दुरुस्त करती हूँ आंखें, मुंह, हाव भाव, सीधी करती हूँ पीठ। सामना करने के लिए बाहर वाले संसार का एक हल्की मुस्कुराहट सहेजे निकलती हूँ घर से। बाहर के मापदंड समझता है ये चेहरा, नहीं उलझन कोई नहीं, कितने दुख दर्द भुला देता है बाहर वाला चेहरा। कई बार घर वाला सिर दर्द वापस लौटने पर ही आता है। घर आते ही घर वाला चेहरा बिना प्रयत्न वापस आ जाता है, पुराने कपड़ों जैसा फिर शरीर पर चिपक जाता है। घर वाला चेहरा घर में समा जाता है, दुनिया से छुपकर घर वाला चेहरा मुद्दतों साथ रह जाता है। कभी घर वाला चेहरा अनायास बाहर भी चला जाता है, सहसा किसी परिचित की आंखों के भावों से होता है भान, एक हैरानी दिख जाती है, अरे मैं तो घर वाला चेहरा ही ले आई बाहर, क्या सोचा होगा उसने। बाहर वाला चेहरा रहता है तैनात अपनी ड्यूटी पर, मात्र चेहरे को ही नहीं शरीर को भी रखता है चुस्त दुरुस्त। जानबूझकर, सोच समझकर बाहर वाले चेहरे को लंबी छुट्टी पर नहीं जाने देती, मात्र दिखावा ही नहीं चाहिए सबको, कम से कम दो चेहरे। हाँ छिपे हैं इनमें और कितने चेहरे, प्यार वाला चेहरा, नाराज दुखी चेहरा, शांत सौम्य चेहरा, सोच में डूबा चेहरा। पर बाहर वाला चेहरा है कितना आवश्यक, आप जानते हैं ना, समझते हैं ना। और फिर अंत में फिर काम को घर से बाहर निकलने से पहले आईने में देखती हूँ, बाहर वाला चेहरा अपनी जगह पर है ना। धन्यवाद। पोस्टमैन। पोस्टमैन को आते देख वह एक उतावली से भर जाती है, और होता क्या है उसमें, कुछ कैटलॉग, कुछ बिल, बैंक स्टेटमेंट, कुछ विज्ञापन विशेष, ऐसे भी बढ़ती उम्र को आसान करने के साधन, स्टेयर लिफ्ट लगवाइए, हेल्थ स्क्रीनिंग करवाइए, क्रूज पर जाइए, और हाँ फ्यूनरल इंश्योरेंस लेने का भी मशवरा। मरने के बढ़ते खर्च से बचने के उपाय, और हाँ कभी कभार किसी पूजा का निमंत्रण। बस ऐसे ही होती है पोस्ट, कोई भी तो उतावली की बात नहीं, पर फिर भी उसे एक उम्मीद सी रहती है, जाने क्या होगा इसमें कुछ नया। यदि कभी कुछ नहीं होता, पोस्टमैन आगे निकल जाता है, तो भी अच्छा नहीं लगता। एक पुराना मोह है पोस्ट से, जब अंतरदेशीय नीले रंग के पत्र आते थे, घर वालों की
विशेषकर पिता की छोटी छोटी लिखाई से भरे, जिसमें घर परिवार पड़ोसियों से लेकर राजनीतिक खबरें भी होती थी। ऐसे पत्र को देखते ही वह एकदम से नहीं खोलती थी। आशा से भर उसे आराम से खोलती थी। प्यार, पुलक और आशीर्वाद से भरा खत। वह किसी दूसरे संसार में खो जाती थी। कितने ऐसे खत अभी भी रखे हैं संभाल कर, और अब जब वह ही नहीं लिखती किसी को तो कोई उसे क्यों लिखेगा? और कौन लिखता है पत्र 21वीं सदी में? पर फिर भी पोस्टमैन का आगमन और पोस्ट अभी भी उसे एक आशा से भर देता है। किसी ऐसे पत्र की आशा रहती है जो वह जानती है अब कभी नहीं आएगा। धन्यवाद। गिले शिकवे भला किसे भाते हैं, पर कहते हैं प्यार के गिले प्यार जताते हैं। बड़ी उम्र की माँ का गिला जाने किस कोटि में आता है। बच्चे अब बच्चे नहीं, उनकी भरी पूरी दुनिया माँ को सुहाती है। खुश है माँ, मन ही मन सोचती है, बच्चों का समय नपा तुला है। माँ मन को समझाती है, यह नहीं कि वे माँ को नहीं चाहते हैं, समय की कमी है उनके पास, समय मिले तो आते हैं। और माँ के पास समय ही समय है, बच्चों को याद करने का, उनकी चिंता करने का। बच्चे भूलते जाते हैं कि उन्हें मिलना देखना माँ की खुशियों में सबसे ऊपर शामिल है। उनके जीवन का अवरोध माँ नहीं बनना चाहती, उनके जीवन का अवरोध माँ नहीं बनना चाहती, पर मन को कैसे समझाए कि उदास ना हो। बच्चे भी तो उसे चाहते हैं। एक बार भी कहे अस्वस्थ है वह तो भागे चले आते हैं, पर उन्हें मिलने की खातिर माँ गलत कह नहीं पाती है। माँ के प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चों की माँ उदास है। ये बच्चों को कहने की बात नहीं, गिले शिकवे तो दूर रहे। गिले शिकवे भला किसे भाते हैं, पर कहते हैं प्यार के गिले प्यार जताते हैं। धन्यवाद।